हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम KV CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 7 आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के परिणाम में 2 पॉइंट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे। फर्स्ट नंबर में हम लोग अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट यानी उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो उत्तरदायी सरकार में हम लोग जानेंगे कि लोकतंत्र में जनता जो होती है स्वयं एक उत्तरदायी सरकार का चुनाव करती है। इस प्रकार वह जनता के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में चुनाव जो होते हैं, इलेक्शन जो रेगुलर होते हैं, नियमित होते हैं, स्वच्छ होते हैं, स्वतंत्र तरीके से होते हैं। इसके अलावा और भी प्रमुख जो संवैधानिक विषयों और विधेयकों पर जनता के बीच खुली बहस होती है। तो इसमें हम लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जितना भी सभी लोकतांत्रिक जो देश में ये क्या होता है कि रेगुलर पीरियड पर नियमित अवधि के बाद एक चुनाव कराए जाते हैं और वे चुनाव निष्पक्ष होते हैं। और इसमें क्या होता है कि सभी दलों के कोई भी दल का है जो अपना स्वतंत्र रूप से अपने कैंडिडेट को, जो उम्मीदवार को चुनाव में खड़ा कर सकते हैं, और जो मतदाता होते हैं, मत देने वाले जो लोग, वोटिंग करने वाले लोग अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी वो वोट देकर उसको चुन सकते हैं। और जो प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वे जनता के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं और उनको जनता अपनी इच्छा के अनुसार अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम जलें लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है। और एक चीज़ था, इसमें किसी भी कानून पर खुली चर्चा होती है, ओपन डिस्कस ऑन लॉ। यानी लोकतांत्रिक देश में जो गवर्नमेंट होता है, सरकार जो भी कानून बनाती है उसमें क्या एक लंबा प्रोसेस लग जाता है, लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है। उस पर पूरी तरह से पहले उस पर बहस किया जाता है और विचार विमर्श भी किया जाता है, और फिर उसको तब जाके जनता के समक्ष, जनता के सामने उस लॉ को, कानून को रखा जाता है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है, एक राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार के बारे में। तो सूचना के अधिकार के द्वारा क्या है कि प्रत्येक सिटीजन, कोई भी नागरिक हो लोकतांत्रिक देशों में, तो जो सरकार तथा उसके द्वारा जो काम के बारे में, अगर काम जो किया है उसके बारे में अगर जानकारी जानना चाहता है तो उसको जानकारी पाने का अधिकार होता है। और यदि कोई भी नागरिक यह जानना चाहे कि जो फैसला जो लेने में अगर कोई कानून का, नियम का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसका पता भी कर सकता है। किससे? सूचना के अधिकार के द्वारा, राइट टू इन्फॉर्मेशन के द्वारा। इसे अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था इंडिया में। इससे ही पता चलता है, कोई भी सूचना अगर हमें जानना हो तो हम पता कर सकते हैं सूचना के अधिकार के द्वारा। ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे जिम्मेदार जो सरकार हुआ, जिम्मेवार सरकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं गवर्नमेंट के बारे में। तो लोकतंत्र में जो सरकार होता है जो अपने देश के प्रति ही वह जिम्मेवार होती है, सरकार से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपना कार्य जिम्मेवारी से करेगी। और जो जनता है जो लोकतंत्र में सरकार से काम का संबंधी जानकारी भी प्राप्त कर सकती है। अभी बताएं, राइट टू इन्फॉर्मेशन के द्वारा, सूचना के अधिकार के द्वारा। और क्या है कि लोकतंत्र में जो अपोजिशन पार्टी के होते हैं, जो रूलर पार्टी जो
सरकार होती है उसका आलोचना करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि जो सरकार की नीतियां और जो कार्य में कमी होता है उसको दूर किया जाता है और एक पारदर्शिता आती है और जिम्मेदार सरकार का इस तरह से गठन होता है। ठीक है, और एक चीज़ है इसमें वैध शासन यानी लेजिटिमेट गवर्नमेंट। वैध शासन हुआ कि लोकतंत्र में वैधानिक जो गवर्नमेंट होती है, जैसे ही कोई अगर सरकार अल्पमत में आ जाता है यानी मत पूर्ण रूप से नहीं रहता है, अल्पमत में होता है, तो उसे एकदम त्याग पत्र देना पड़ जाता है उसको, जिससे उसकी क्या होते हैं कि वैधता समाप्त हो जाती है। और लोकतंत्र में जनता के समर्थन के बिना कोई भी नई सरकार नहीं बन सकती है। यह केवल किस में है, लोकतंत्र में ही संभव है कि चुनाव प्रक्रिया ही सरकार की वैधता पर मोहर लगाती है। वो वैध है कि नहीं किसके थ्रू, तो चुनाव के द्वारा। ठीक है, जो लोकतांत्रिक देश है वहाँ तो चुनाव नहीं होगा, इसलिए सबसे अच्छा है लोकतांत्रिक तरीके से देश में रहना ही अच्छा है। और यह जो लोकतांत्रिक गवर्नमेंट जो हुआ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसमें क्या हो सकता है कि कुछ सुस्त भी हो सकते हैं, कुछ कम कार्यकुशल भी हो सकते हैं, इसमें भ्रष्टाचार भी कुछ हो सकता है, लेकिन यह लोगों की जो ज़रूरतों को अनदेखा कभी नहीं कर सकता है। कोई भी नियम कानून बनेगा तो यहाँ के जो लोग हैं उसी को देखते हुए ही कोई भी कानून को बनाया जाता है, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसी के कारण ही ये दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के विचार के प्रति बहुत ही समर्थन है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा कि यहाँ बांग्लादेश में भी अधिक समर्थन है, भारत में भी, नेपाल में भी और श्रीलंका में भी, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर सभी जगह बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिला है लोकतंत्र का। ठीक है, अब हम लोग सेकंड पॉइंट के बारे में जानेंगे, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी यानी सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य किस तरह से लोकतांत्रिक देश में स्थापित किया गया है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनेक तरह के डिफरेंट टाइप के सामाजिक विविधता होते हैं, सोशल डाइवर्सिटी होता है, को उसको संभालता है लोकतंत्र में। इससे क्या होता है कि टकरावों के विस्फोट या फिर हिंसक रूप लेने की संभावना इसमें कम हो जाती है। कोई भी समाज जो है, जो अपने विभिन्न समूहों के बीच टकराव की स्थायी तौर पर खत्म नहीं कर सकता, कोई भी समाज, इसके लिए उनके बीच में क्या होगा, सबसे पहले तो बातचीत के द्वारा एक दूसरे को सामंजस्य बैठाने का तरीका डेवलप कर सकते हैं हम लोग, विकसित कर सकते हैं कि बातचीत से किसी भी मसला को हल किया जा सके। जैसे सामाजिक अंतर, विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से कौन है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बड़ा गुण होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में है कि इन सभी चीज़ों को संभाला जा सकता है, सामाजिक अंतर जो होता है या फिर विभाजन किया गया है समाज में, फिर टकराव होता है एक धर्म से दूसरे धर्म के लोगों के बीच में, उसको संभाल सकता है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, इसके लिए क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में दो शर्त को पूरा करना होता है। से फर्स्ट नंबर हम लोग जानेंगे, लोकतंत्र का जो अर्थ होता है वो बहुमत की राय से शासन करना नहीं होता है, कि जिसका बहुमत है उसी के मन से किया जाए, बल्कि क्या होता है,
बहुमत को हमेशा ही जो अल्पमत का ध्यान रखना होता है, उसके साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत होती है, तभी गवर्नमेंट हुआ जो जन सामान्य जो लोकल लोग हुए की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाएगा। बहुमत और अल्पमत की राय कोई अस्थायी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। और सेकंड नंबर में जानेंगे हम लोग कि बहुमत के शासन का अर्थ क्या है, अर्थ धर्म नस्ल या फिर भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता है। बहुमत के शासन का मतलब है कि हर फैसले या फिर चुनाव की में अलग अलग लोगों और समूहों का बहुमत का निर्माण कर सकते हैं, तभी हम लोकतंत्र यहाँ पर रहता है। जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का ऐसा मौका मिलता रहेगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रहेगी। इस तरह से हम जानें कि सामाजिक विविधताओं में लोकतंत्र के द्वारा हम सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। ओके।